वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। झाड़ू लगा रही थी तो देखा नीचे, यहाँ पर है ना बिल्डिंग के उधर, वहाँ पर एक कंपनी है हमारी बिल्डिंग के पीछे बनी हुई है, वो बंद है फिलहाल, बट वो इंस्टॉल कर रहे हैं सब उसको। और देखो सामान लेके जा रहे हैं ट्रक में, और यहाँ पेंटिंग वर्क भी चल रहा है, दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, यहाँ देखो बिल्डिंग। सो हमारा नया टीवी आ गया है। नहीं ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है ना। ये अच्छा मेरा बर्थडे पे तुम अपने आप को टीवी गिफ्ट करोगे? मैं अपने को तो चाहिए नहीं टीवी, मेरा गिफ्ट पेंडिंग है। मैं बताएगी, मेरे को भी पता नहीं है क्या चाहिए मुझे, जब मुझे पता चलेगा तब मैं बताऊंगी वही चाहिए मुझे। मुझे तो टीवी चाहिए नहीं था, टीवी तो था ही ऑलरेडी मेरे पास, तो तुमको चाहिए बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए। सो एनीवे टीवी आ गया है फाइनली, और क्या क्या फीचर है इस पर सब लिखे हुए हैं, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ अच्छे से। हाई सेंस है ना, और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे अभी जी बताएंगे एक्सपर्ट, दो तीन महीने की रिसर्च के बाद इन्होंने फाइनली मंगा लिया है। नहीं आप बताओ ना, आप बताओ। लेकिन उसमें उल्टा आ रहा है। हाँ उसमें उल्टा आ रहा है, बैक कैमरे से आएगा उसका। सो मेरा गिफ्ट पेंडिंग है। हाँ मेरा गिफ्ट मैं डिसाइड करके बताऊंगी, मुझे पता नहीं चल रहा मुझे चाहिए क्या, एक्चुअली चाहिए नहीं अपना। ठीक है देखना बैठ। सो ये देखिए हाई सेंस का टीवी है, और ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है सब चीज़ों के बारे में, बट जो जो लिखा है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। मेड इन इंडिया है, ये क्या लिखा है, USD 4K, और ये सारे फीचर्स हैं जो नीचे छपे हुए हैं देखिए। हाँ और इन्होंने बहुत रिसर्च करके लिया है, उन्होंने बोला ये सबसे अच्छा है, और इसका स्पीकर सबसे बेस्ट है ना, क्या बता रहे थे? JBL के 6 स्पीकर। हाँ और ये कितने इंच का है? 50 इंच का टीवी है ना, 50 इंच का टीवी है। अब बाकी आएंगे इंस्टॉल करने तब पता चलेगा ओपन होने के बाद में। फिलहाल यहाँ रख दिया है, जब आए नहीं आएंगे तब करेंगे इंस्टॉल अपना। क्या बोलते क्या बचपन में बारिश के मजे लेते थे छत पे जाके, बचपन में बारिश में नहाते थे ना जाके छत पे, पानी नहीं आता घर पे, नहीं आप ऐसे पानी भर के छत पे से उसे स्विंग करते थे, ऐसे ऐसे पैरिंग है। अरे वो भीग गया। पैर पोछने वाला दो इधर, वहाँ भी रख दो। बहुत जोर से हो रही है, कल भी हुई परसों भी हुई, अब मानसून चालू हो गया है ना, डेली होती बारिश। चलो मूवी स्टार्ट करो अपनी, मुझे लगा लो अच्छी है ये, देखो ना। नाश्ते में बना रही हूँ इवनिंग में ब्रेड पकोड़ा, बारिश हो रही है तो पकोड़ा और चाय खाने का मन कर रहा था, तो सोचा ब्रेड पकोड़ा बनाया जाए। बाहर भी कलर स्टार्ट हो गया करना, पूरी बिल्डिंग को कलर कर रहे हैं ना ये लोग, सो यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया, बट ये कितने दिन से है ना इतना अधूरा छोड़ दिया है, यहाँ पे जहाँ पे गैप थे लेवल नहीं था ना वहाँ इन लोगों ने पुट्टी लगा दी है, और इसको इतना ही करके छोड़ दिया, 7-8 दिन से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमने कंप्लेन भी कर दी ग्रुप में कि थोड़ा सा अगर नहीं कर रहे हैं तो क्लीन तो करा दें एटलीस्ट बाहर का।
अभी आए थे ना रिटर्न टूर से, तो मैंने उनको मंगा लिया था एयरपोर्ट पे, ये मफिन मिलते हैं, मैंने बताया होगा आपको कई बार मेरे व्लॉग में, सो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, सो मैंने मंगवा लिए थे उनसे, तो अभी वही खा रही हूँ बैठ के। रात में खाना वाना हो गया यहाँ पे, सब बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, और सॉफ्ट भी आए थे, कई बार ख़राब भी आ जाते हैं ये, बट इस बार अच्छा आया था ये। The next day. आज मैंने ये वाला टी शर्ट पहन लिया, इस टी शर्ट से ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक तो अभी को लेके ही है, जब अभी और हम स्टार्टिंग में जब बात करते थे, और उसके बाद जब वो मिलने आए थे मुझे, आई थिंक रिंग लेने, फर्स्ट टाइम तो नहीं था, दूसरी या तीसरी बार हम लोग मिल रहे थे, फाइनल हो गया था जब हम लोगों का, रिंग लेने आए थे वो, तो तब मैंने ये वाला टी शर्ट पहना था, तब मैं बहुत दुबली पतली हुआ करती थी, पिक्चर डाल दूंगी जब मेरे पास मिलेगा तो, अभी और मेरा, तो हम लोग बीच पे गए थे, सो ये वाला टी शर्ट मैंने पहना था, और अभी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, अच्छी लग रही हो, वो देते नहीं जल्दी से। तो एक छोटी सी स्टोरी है आपके साथ शेयर करती हूँ, आई होप आपको बोर ना हो सुन के। सोच रही हूँ पफ राइस की, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, इस पर एक्सपायरी दिखा रहा है, बट खाने में तो ये ख़राब नहीं लग रहा है, और जो ओपन में आता है उस पर तो एक्सपायरी नहीं लिखी रहती है, तो खाने में ठीक लग रहा है, तब खा लेते हैं। सोच रही हूँ ये है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, भेल बनाऊंगी, भेल मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ में, पहले सोचा पोहा बनाती हूँ, फिर मैंने थोड़ा पोहा का, मैं पोहा ही बनाती रहती हूँ ज़्यादातर, पोहा वैसे मुझे बहुत पसंद है, आज भेल बनाऊंगी, मुझे मम्मी के यहाँ से मिक्सचर लाई थी ना, मिक्सचर बोलती हूँ नमकीन होता है ना, नमकीन को तो मेरे को भी आदत पड़ गई है बोलने की, मिक्सचर मिक्सचर बोला जाता है बिहार में, नमकीन जो है ना उसको डाल के और ये सब जो भी है प्याज टमाटर ये सब डाल के ना अच्छी बनती है, जब भी रेस्टोरेंट वाले थोड़ी भूख लगी हो ना तुरंत में बन जाता है फटाफट से। ये वाला जो चाकू है ना ये बहुत ही अच्छा है, इसके जो एजेस है ना ऐसे जिगजैग करके बने हुए हैं ना, इसकी कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मम्मी यहाँ से लेके आ गई थी, मैं खाता हूँ मम्मी का ही, बहुत ही बढ़िया है ये, और इससे महंगे महंगे चक्के मेरे पास रखे हुए हैं वो बिना काम के, कौन से ब्रांड है पता नहीं, बट ये वाला बहुत अच्छे से काम करता है। टीवी वाला काम होता था तो एक टेंशन खत्म हो जाता, तीन दिन सोचो, एक दिन आएगा कारपेंटर गंदा करेगा, फिर दूसरे दिन आएगा इलेक्ट्रिशियन गंदा करेगा, फिर तीसरे दिन आएगा वो टीवी वाला डेमो देने जो आएगा जो इंस्टॉल करेगा टीवी को वो फिर से गंदा करेगा, एक ही दिन में सब काम नहीं होता है ना, बहुत ही गुस्सा आता है, तो बोल जाना चाहिए ना ये बार बार सफाई करते बैठो, बार बार ये लोग जाएंगे गंदा करते रहेंगे बार बार। आती थी ना शादी से पहले तो हर दूसरे दिन मेरा नाश्ता ही रहता था, घर पर आती थी पहले तो मम्मी को ढूंढती थी, मम्मी मिल जाएगी तो मम्मी को बोलती थी बना दो नाश्ता, मैं कुछ बना दूँ, आके ना बहुत भूख लगती है ऑफिस से, जो बनती कुछ चाहिए खाने के लिए, तो ये क्या जल्दी भी बन जाता ना फटाफट, तो मैक्सिमम टाइम में यही बनाती थी, काट पीट के फटाफट बना के खा लिया, फिर एक डेढ़ घंटे बाद खाना वाना बनाना रहता था, शाम का खाना मेरा डूबी रहता था बनाने का, एक ही काम करती थी मैं मेरे घर पर खाना बनाने का शाम का, बस सुबह तो मम्मी बना के दे देती थी टिफिन, उतना अच्छा रहता है। अभी अगर मैं जॉब करने जाऊँ शादी के बाद तो आपको पहले अपना उठ के सब खाना बनाना है, सब घर का देख के फिर जाना है, फिर आके भी आपको वही सब करना है, बहुत हैक्टिक हो जाता है, शादी से पहले तो क्या मजे की लाइफ रहती है, सुबह सुबह मम्मी बना के दे देती है टिफिन, जाओ मजे से आओ कुछ करना तो करो, फिर उसके बाद मेरा जिम रहता था पहले ही चला जाता था, अभी भी मेड रख सकते हैं बट मेड भी रखो तो खाना वाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट सब काम तो मेड नहीं करते ऐसा होता है, तो शादी के बाद जो वर्किंग वूमेंस रहती हैं उनको थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, और जिनके तो बच्चे हों तो उनको तो और ज़्यादा, कोविड की वजह से अपने को मौका मिल गया मुझे इस पे आने का यूट्यूब पे, अदरवाइज मैं भी करती रहती अपना 9 to 5 जॉब, 9 to 5 क्या यहाँ पर तो 12 घंटे का जॉब हो जाता था मेरा, सुबह मैं 9 बजे जाती थी ना तो आते आते 8 बज जाते थे मुझे घर पे, फिर घर पे आओ थक रहे आ रहे, फिर अपने को ही करना है घर का भी सब काम, कितना बोलेंगे अभी को भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, फिर भी जो मेन रहता है खाना वाना बनाना वो तो अपने को ही करना पड़ता है ना, जैसे अभी अगर मैं खाना बनाया तो अभी बर्तन धोने में बहुत ही हेक्टिक हो जाता था वो, बट ऑब्वियसली अगर ये मैं नहीं करती हूँ तो करते ही मैं जॉब, क्योंकि मैं ऐसे बैठने वाला हूँ तो नहीं कि घर पर बैठ जाऊँ, कुछ ना कुछ तो मैं करती ही, ऐसे भी एडजस्ट करके
बट यूट्यूब की वजह से ऐसा अच्छा हो गया। आप अपनी मर्जी से कभी भी करो, कभी भी रेस्ट करो, मैं अकॉर्डिंग टाइम निकाल के 3-4 घंटे भी अगर आपने टाइम निकाल लिया दिन में तो बहुत है, कोई अच्छा है। कोविड की वजह से कोविड में कुछ अच्छा हुआ है मेरे लिए तो वही यही हुआ है बस। ऐसा सब बात है, लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हमें सोचा नहीं था कभी, मैंने तो नहीं सोचा था कि एज अ करियर में यूट्यूब को लेकर चलूंगी कभी। आज से पहले मेरा डिसाइड था कि मुझे जॉब तो करनी ही है, घर पे तो रहना नहीं है। सोचती थी पास में मिल जाएगा तो मैं छोड़ने भी वाली थी बाद में, बट कोविड के बाद है ना जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। दूर दूर मिल रहा था जो कि मुझे नहीं सूट हो रहा था टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि आपको ऐसा नहीं ना कि सिर्फ जॉब करना है और घर पे नहीं देखना है। अब आपके पास शादी के बाद तो प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, आपको घर पर भी ध्यान देना है। अभी भी हेल्प करेंगे तो कितना करेंगे, होता है ना। फिर क्या होता है, हम लोग घर पे आते हैं थक जाते हैं, फिर हम लोग बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगा के खा लेते हैं, फिर अपनी तबीयत खराब करते हैं, वो भी हो जाता है ना। और मुझे तो बाहर का खाना पसंद भी नहीं है, कभी कभी एक बार दो बार मुझे ठीक है, बट डेली तो नहीं कर सकते ना सर। काफ़ी घरों में चलता भी ऐसा कि वो भी थक जाते हैं लोग ऑफिस से आके, बाहर से ऑर्डर करते हैं फिर खाते हैं, मेड लगा लेते हैं घर में, इसको जैसे सूट करता है वैसे। बट मुझे तो घर का खाना ही पसंद है, तो मुझे तो घर पर कितने बजे भी आप आओ लेट फिर अपने को खाना बनाना ही पड़ेगा। फिर बातें कर लिया आज मैंने आपके साथ में बैठे बैठे, यहाँ पे कट कर दिया कारपेंटर ने और ये भी कट कर दिया है, तो ये लगाना भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया इसको लगाने के लिए, फिक्स कर देगा इसको। तो यहाँ पे टीवी लग जाएगा, फिर हमारा कल आएगा टीवी लगाने वाला, तो ये काम पहले करवा के लेना पड़ेगा ना, अदरवाइज लगा जाएगा कैसे। तो मैंने ऐसे ही चिपका दिया। सो यहाँ लगेगा हमारा बड़ा टीवी। अभी को मैंने बोला मेरा गिफ्ट अभी पेंडिंग है, मुझे तो टीवी नहीं लेना था जबकि टीवी चाहिए था, अभी टीवी तो होना ही चाहिए घर में। और मेरी अच्छी बात ये कि यहाँ लगाए ना तो मैं किचन से भी देख सकती हूँ, यहाँ से टीवी ईज हो जाएगा। बट ये वाला टीवी आई डोंट थिंक हम लोग ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि हम लोग आते थे थोड़ी देर बैठ के टीवी देखते, फिर ऐसे लंबा लेट हो जाते हैं पड़ जाते हैं। वैसे जो हमारा सोफा है ना वो आपने देखा ही होगा, बहुत ब्रॉड है, चौड़ा ही है, उस पर ऐसे लेट के भी देख सकते हैं, इसीलिए वही सोफा खरीदा था कि अगर लेट के भी देखना हो, क्योंकि आदत है मेरे को तो पहले से है। जब भी मैं टीवी देखती हूँ आधा एक घंटा बैठती हूँ सीधा धीरे 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 लुढ़क जाती है ऐसे। मम्मी क्या ना ऐसे वो बेड जैसा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं दीवान बोलते हैं, दीवान लगा हुआ है मेरी मम्मी के यहाँ पे हॉल में, उस पर लेट के देखने की आदत है पहले से, इसलिए मैं अभी को बोल रही थी। और इसलिए इतने टाइम से हम लोग टाल भी रहे थे इसको, क्योंकि हम लोग को लगता नहीं ज़्यादा यूज़ में, हम लोग लेंगे ये वाला टीवी, बेडरूम वाला ही ज़्यादा देखेंगे। बट आनी थी क्योंकि ये बनवाया है, इसलिए तो हॉल में चाहिए ही। अभी मैं ऐसे छेड़ रही थी बैठ के कि मुझे तो टीवी नहीं चाहिए, मुझे तो गिफ्ट चाहिए अपना, और मुझे पता ही नहीं मुझे क्या गिफ्ट चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि अभी है सब कुछ मेरे पास, और अननेसेसरी कुछ भी खरीदना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं जब कुछ चाहिए होगा, मैंने बोल दिया पेंडिंग है तुम्हारे पर, जब कुछ चाहिए होगा तो बोलूँगी ला दो ये वाला। और बर्थडे पे क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं, वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। है 2-3 दिन है अभी, ये वीडियो आई थिंक पहले ही आ जाएगा, बर्थडे ब्लॉग में अलग से आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो नाश्ता फिनिश कर देती हूँ मैं अपना, मैं मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। कल वो कारपेंटर आए थे ना, सो लकड़ी जो बची हुई थी ना उससे मैंने देखो ये स्टैंड भी बनवा लिया इसका, सब रखने के लिए। वो जो सब बची हुई लकड़ियाँ निकली थी ना फर्नीचर बनना था जब का, वो सबसे मैंने बनवा लिया टेम्परेरी, क्योंकि बरसात में ना ये सब गमले इधर ही रहने वाले हैं, उधर रखते हैं ना, सो जैसे ही बारिश होती है सो पूरा वो गंदा जो है ना उसका मिट्टी का ही देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आप, इस तरीके से बाहर आके हो जाता है ये सब गंदा हो रहा है। सो इसीलिए बारिश के टाइम तक इसको यहीं रखेंगे यहाँ पर, और इसलिए स्टैंड पर रहेगा ना तो क्लीनिंग में भी ईजी रहता है, नहीं तो फिर हटा हटा के क्लीन करना पड़ता था इसको। और इसमें मैंने पता नहीं कितने दुनिया भर के बीज डाल दिए थे, तो उसमें से कुछ तो एक आया है इधर, पता नहीं क्या है वो, बस अंधेरा होने आ गया ना तो दिखेगा नहीं शायद आपको। ये देखो छोटा सा लीफ आया यहाँ पे, इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया फिर से, फिर इसमें मैंने वो जामुन था ना उस दिन जामुन लाई थी मार्केट से, वो भी उसका बीज भी डाल दिया था, मेरे को लगता है उसी का बीज का आ गया है। बट इतनी जल्दी आ जाता है कि नहीं पता नहीं, पर लग तो वही रहा है, तो वो डाल दिया था इसमें। और ये अभी को ना रोज़ दिया था, जाते हैं ना टूर पे तो किसी ने दिया था इनको वेलकम करने के लिए, से ग्रीटिंग करते हैं ना तो देते ना, तो लेके आए थे तो मैंने उसको ऐसी इसमें लगा दिया है। अभी बोल रहे थे इसके फ्लावर्स में से पत्तियाँ टोल के इसमें डाल दो, मैंने बोला ऐसे तो नहीं आता होगा, वैसे ही लगा दिया मैंने, अच्छा लगा ऐसे जितने दिन आया बाद में निकाल के फेंक दूँगी, भी अच्छा लग रहा काफ़ी स्टैंड पर रख दिया तो सब। लगाए थे ना मैंने, ये बार बार हवा से गिर जा रहे थे तो इसको मैंने यहाँ चिपका दिया, अभी ससुराल जाने से पहले ही चिपका दिया था मैंने इसको। इस टाइम पे कितना भी आंधी तूफान आया ना ये गिरे ही नहीं, नहीं तो हर बार गिर जाते थे टपक टपक करके, परमानेंट फिक्स कर दिया अभी मैंने। सो यहाँ से दिखते हैं जो वहाँ देखिए फ्लैग दिख रहा ना वहाँ पर आए हुए हैं, वो अभी के जो मैंने बताया था ना कलीग है उन्होंने ले लिया फ्लैट,
उस वाले फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे वो जहाँ पे ऑरेंज कलर का फ्लैग दिख रहा है ना वहाँ। सो ये वाली जो सीरीज़ है ना ये 3 BHK वाली है और हमारी जो है ये 2 BHK वाली है और उस वाले साइड भी 2 BHK आई थिंक। हाँ उस वाली साइड भी 2 BHK है। अभी आ गए हैं, अभी को पूछते हैं आज ये टी शर्ट याद है कि नहीं और क्या बोलते लिखते हैं तारीख पड़ती के लिए आज। जब आता तो दिखता नहीं है, वो भी दिख रहा है। क्या दिख रही है? आते हैं ना कभी रस्ते में, किसी ना किसी से बात करते होंगे फ़ोन में, मैक्सिमम टाइम तो मम्मी से करते रहते हैं, आज पता नहीं किससे। पता अंदर आने देता, बाहर ही पता चले, बेइज्जती कर दी मेरी। अरे ज़रा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना तुमसे। जब आता तो नहीं दिखता है। किससे बात कर रहे हो? जब आता तो नहीं दिखता है। तो कैसी लग रही मैं? मैचिंग करी हो? टी शर्ट याद है कब पहना था पहली बार? कब? जब मिलने आए थे पहन के। अच्छा याद है तुमको? कहाँ मिलने आए थे हम लोग बताओ, कहाँ गए थे हम लोग पहन टी शर्ट? मैं कहाँ गई थी तुम्हारे साथ? कहीं नहीं गई थी। गई थी कहीं तो गए थे तो क्या घर पे आए थे क्या तुमने? ओ खोपचे मिल गए थे। ऐसा नहीं, सही से बताओ कहाँ मिलने, कहाँ गए थे हम लोग जब मैंने टी शर्ट पहनी थी? याद करो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। तो सिलवासा मॉल में और कहा? कोई ना, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं पहनी थी तो देखा, ये उनको याद ही नहीं है। बीच पे गए थे, बीच पे तब तुमने मुझे पहली बार कॉम्प्लीमेंट किया था, बोला अच्छी लग रही हो ऐसा गलत, और अब तो अच्छी लगती नहीं हूँ, अभी तो कभी करते नहीं हूँ ऐसा गलत काम, खुद किया था। ये आया नहीं फिर, कॉल ही नहीं उठा रहा। हाँ नहीं आया इलेक्ट्रिशियन, कॉल करो फिर से। नहीं, तो बहुत कॉल कर लिया, अब तो कल ही बुलाओ ना, अब तो क्या नहीं बता रात हो गई। अरे कम से कम वो सेट तो कर देगा, देखो कॉल करके आ जाए तो अच्छी बात। तो तीन बार तो कॉल कर लिया, कल आए चाहे आ जाए। तो इनको याद नहीं है, हो गया फाइनल? नहीं मुझे याद नहीं है। बीच पे अपन जब बोली बोली कर गए थे उधर से लौटते समय चलते हुए थे। हाँ ये याद है, कॉम्प्लीमेंट क्या किया था वो याद है। मैचिंग मैचिंग देख लो, फैन चलाओ गर्मी लग रही है, बारिश में तो गर्मी कैसे हो? इनको कुछ याद नहीं रहता है, क्या कॉम्प्लीमेंट किया था वो नहीं याद है। हाँ बनाई है करेले की सब्जी, भुजिया और बनेगी रोटी। सुबह की खिचड़ी भी रखी हुई है। The next day. नेक्स्ट डे आ गए थे टीवी इंस्टॉल करने के लिए और इन्होंने ना पहले गड़बड़ी कर दिया था, वो जो स्टैंड लगा रहे हैं ना इन्होंने, तो इन्होंने पहले गलत लगा दिया था तो टीवी सेंटर में नहीं आ रही थी, तो वापस खोल के वापस से ठीक करके लगवाया इनसे। कपड़ा रखी है और सही से इसको सिलाई कर लेंगे। सो आप लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, मैंने जो रखी है उसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में इसको इस तरीके से हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे पहले। सो फाइनली हमारा टीवी हो गया है इंस्टॉल, अच्छे से चले गए हैं वो करके, और सबसे पहले मैंने अपना वीडियो लगा के ही देख लिया, इसमें बहुत ही अच्छे से पिक्चर क्वालिटी है इसकी 4K की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे बजट में जो था सबसे बेस्ट हमको लगा वही अभी ने यहाँ पर परचेस किया है। काफ़ी टाइम से वो देख रहे थे कि वो एक्चुअली कन्फ्यूज़ थे कि LG का लिया जाए कि ये लिया जाए, फिर फाइनली इसके फीचर्स उनको ज़्यादा पसंद आ गए सो उन्होंने ये डिसाइड किया। और ये सब गैजेट्स और जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं ना इसमें मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो अभी बोलते हैं मैं उनके साथ ओके कर देती हूँ। बस हम लोग बजट अपना देख रहे थे कि हमारे बजट में आए उतना ही हमको लेना है, क्योंकि एक टीवी ऑलरेडी है तो फिर कोई मीनिंग नहीं है इतना पैसा डाल के फालतू में। अगर नहीं रहता और एक ही टीवी में हम लोग देखते तो फिर और ज़्यादा पैसा डाल के ले सकते थे, बट यही टीवी इतना अच्छा है और अभी भी खुश हो गए, अभी को तो बहुत ही पसंद है। अभी तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि मेरा टीवी कब लगेगा। उनको बड़ी स्क्रीन पे देखना बहुत अच्छा लगता है, फाइनली उनका भी हो गया है। मुझे इतना टीवी का नहीं है इतना कुछ, मुझे बस क्योंकि मैं 1-2 घंटे ही टीवी देखती हूँ पूरे दिन में, मुझे इतना भी नहीं है कि मैं बैठ के पूरा टाइम देखती रहूँ। अब तो फिर भी अभी के साथ बैठ के काफ़ी देखती रहती हूँ मैं, नहीं तो पहले तो उससे उतना भी नहीं देखते थे क्योंकि ऑफिस से आते थे तो टाइम ही नहीं मिलता था ये सब देखने का करने का, तो इतना टीवी में कोई इंटरेस्ट था नहीं। हाँ मोबाइल में हम लोग देखते रहते थे जो देखना है, बट ये भी बहुत अच्छा टीवी है, इसमें मोबाइल के भी सारे फीचर चलते हैं और थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या इसमें होता है।
क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, अभी इसकी पूजा करेंगे टीवी की, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे भी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।